सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी जीतने के बाद कर्नाटक स्टेट फुटबॉल टीम मुख्यमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर इंतजार करती हुई नजर आई। और उन प्लेयर्स ने जिन्होंने साल भर जिंदगी की मेहनत लगा के उधर सऊदी अरेबिया में जाके कर्नाटक फुटबॉल टीम का नाम रोशन किया होगा, उनको भाई पूरी मेहनत करी होगी। वो 7 बजे से बैठते हैं वहां, धूप में बैठे रहते हैं, कोई पानी पूछने वाला नहीं उनको। सीएम आता है 10 बजे और एक एक प्लेयर से हालचाल ढंग से पूछ ले, 10 सेकंड 20 सेकंड में गायब। कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन, कोई प्लेयर्स की कोई कदर ही नहीं है। उनके लिए जॉब, आपने जॉब अपॉर्चुनिटी का कुछ किया वो प्लेयर्स का, तो पॉलिटिशियंस लोग भाई मतलब ये क्यों करते हो हमारे साथ, प्लेयर्स के साथ। खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले इस ट्विटर यूजर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। और भी कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है। वहीं फेसबुक पर भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ वायरल है। इस वीडियो की असलियत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गौर करें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अंतर्गत हर साल स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जाती है, जिसे संतोष ट्रॉफी कहते हैं। ये कंपटीशन स्टेट एसोसिएशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। ये कंपटीशन इस साल रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। 4 मार्च को कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती थी। गौर करें कि मार्च में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाजपा के बसवराज बोम्मई थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कर्नाटक फुटबॉल टीम से चंद मिनटों की मुलाकात के पहले 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया था। हमने गूगल मैप्स पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के घर के स्ट्रीट व्यू को वायरल क्लिप से कंपेयर किया तो पता चला कि ये कर्नाटक के पूर्व सीएम के घर के बाहर का वीडियो है। वायरल वीडियो में दिख रहा ये शख्स धनराज धुर्वे है, जिसने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो अपलोड किया था। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए धनराज ने पुष्टि की कि संतोष ट्रॉफी जीतने के बाद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने मिलने से पहले खिलाड़ियों को घर के बाहर इंतजार करवाया था। यानी कर्नाटक फुटबॉल टीम मुख्यमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर कांग्रेस के हाल के सीएम का नहीं बल्कि पूर्व भाजपा सीएम का इंतजार कर रही थी।